फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जल्द जाने वाली है। इनकी करप्शन के इतने बाब हैं कि खत्म नहीं होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल के तब्दीली सरकार पर लफ्जी बाउंसर्स, कहा 50 करोड़ का डाका भी पड़ गया, फिर भी चीनी की किल्लत है, चीनी महंगी क्यों हुई, कमीशन ने जवाब नहीं दिया। यूटिलिटी स्टोर्स में वजीर आजम के यार दोस्त लगे हुए हैं। पुराने टेंडर पर 60,000 टन का नया ऑर्डर दे दिया गया। 55 रुपए वाली चीनी 85 रुपए में मिल रही है। कोई ऐसी सिफारती मुदाखलत नहीं देखी जिससे कश्मीर पर दबाव पड़े। कश्मीर के मामले पर कौमी असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। इमरान खान के जेल में है, माइनस पीटीआई ही होता मुझे नजर आ रहा है। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वज़ीर आज़म परेशान होता है, हुकूमत नहीं चल रही, इधर उधर की बातें शुरू कर देता है। हुकूमत जो जल्द जाने वाली है, फ्रेंड्स ऑफ खान हुकूमत जो है, जब हटेंगे तो आपको हकीकत पता चलेगी किस किस किस्म के करप्ट लोग आज हुकूमत के अहवालों में ओहदों पर बैठे हैं। पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत है, इसके करप्शन के इतने बाब हैं कि खत्म ही नहीं होंगे। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ नैब के मुकदमे बनाने की तरफ, माइनस नालायक होगा, माइनस करप्ट है वो होगा, अब इनके जाने का वक्त आ गया है। अपनी नाकामी देखकर इनको अब डरावने ख्वाब आ रहे हैं। अपने कारनामों से माइनस किया है, करप्शन से माइनस किया है, अपनी नाअहली से माइनस किया है। ये पाकिस्तान की जो बदनामी कर रहा है शख्स, सिर्फ अपनी अना की खातिर, बच्चा भी इस तरह अपने मुल्क के मामला नहीं देखता, इससे ज्यादा नुकसान तो हमारा कोई दुश्मन भी हमें नहीं पहुँचा सकता था जितना इसने लेने कर दिया। इंतखाबी अमल पे असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। इमरान अहमद नियाजी को वार्निंग देना चाहता हूँ, गिलगित बल्तिस्तान में किसी किस्म की अगर मुदाखलत की, पाकिस्तान के मफाद के साथ खेलोगे।